वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। आज हम बहुत ही टेस्टी सा, यम्मी सा और हेल्दी सा ये मिक्स फ्रूट नट्स चॉकलेट बार बना लेते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होता है। इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, सभी चीज़ें हम हेल्दी यूज़ करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। बच्चे और बड़े इसे बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में बहुत ही रिफ्रेशिंग सा हमें फील होता है जब इसे हम ठंडा ठंडा सा सर्व करते हैं, खाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह की ट्रे ली है। आप कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह इस तरह से ही आप ट्रे लें। आप इसे छोटी छोटी बाइट्स में भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ट्रे पे अच्छे से फॉइल उसकी शेप का काट के उसी के साइज़ का काटने के बाद हाथ से इस तरह से मैंने सेट कर दिया है ताकि अंदर जो है हम चीज़ें सेट करें तो बिल्कुल अच्छा सा स्क्वायर में निकल के आए। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसमें सेट कर दिया है। अब आपको जो भी पसंद हो फ्रूट, जो भी पसंद हो नट्स, आप इसमें डाल सकते हैं। आप यहाँ पे मुरमुरा वगैरह भी डाल सकते हैं क्रंच के लिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने केले को एकदम पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया था। आप अपनी हिसाब से शेप वगैरह रख सकते हैं। मैंने देखिए केले को अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन के हिसाब से अच्छे से सजा दिया था। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको सेट करना आप सेट कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़े से कटे हुए पीसेस में कटे हुए एप्पल भी यहाँ रखे हैं। केला और सेब रखने के बाद हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें रखेंगे। यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा काजू, 3-4 पीस मैंने यहाँ पे काजू भी बीच बीच में रख दिया है ताकि काजू बादाम वगैरह से बहुत ही अच्छा सा क्रंच आएगा। सेब और केला वगैरह जो सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद हम मेल्टेड चॉकलेट भी डालेंगे गरम गरम। तो देखिए, जो हमारा बादाम है काजू है, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सा क्रंच आता है। आप फ्रूट्स में यहाँ पे अंगूर भी डाल सकते हैं, मैंगो भी डाल सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कटे हुए खजूर भी इस तरह से मैंने कट करके रख लिए थे, उसे मैंने इस तरह से उल्टा उल्टा रख दिया है ताकि जब हम चॉकलेट डालें तो ये सभी चीज़ें जो है सीधी उस पर सेट हो। और उसके बाद ऊपर से हम डाल देंगे अनार के दाने। अनार के दाने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अनार और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत ही पसंद आता है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, अनार को इस तरह से सेट करने के बाद हाथों से मैंने दबा दिया है ताकि एक पूरी लेयर जो है हमारी ऊपर से हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद हम चॉकलेट इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि पूरी जगह हमारी जो चॉकलेट है अच्छे से स्प्रेड हो जाए और ये बहुत ही अच्छा सा शेप इसका हमें मिल जाए। तो इस तरह से देखिए, आप मैंने डार्क चॉकलेट लिया है। आपको व्हाइट चॉकलेट पसंद हो, मिल्क चॉकलेट पसंद हो, जो भी चॉकलेट पसंद हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, चम्मच को थोड़ा हल्के गर्म पानी से गीला करेंगे और इसे अच्छे से हम फैला देंगे ताकि इक्वली हमारा जो है बहुत ही अच्छा सा शेप आए और बहुत ही अच्छी से हमारी फ्रूट बार बन के रेडी हो। तो चम्मच को मैंने हल्का हल्का गर्म पानी में डिप कर करके अच्छे से सेट कर लिया। इसे थोड़ा सा हम टैप कर देंगे, उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज कर देंगे। उसके बाद देखिए कितना अच्छा सा इसका शेप आ चुका है। अब धीरे धीरे से इसका फॉइल निकाल देंगे। फॉइल निकालने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत सी, कितनी ब्यूटीफुल से, प्रीटी सी हमारी ये चॉकलेट बार बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कट करना है। कट करना आप अपने हिसाब से इसका शेप रख सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो आप इसका शेप रख सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से लंबाई में कट कर रही हूँ। आप ट्रायंगल में, आप कोई भी इसको कुकी कटर वगैरह से भी इसको हार्ड शेप वगैरह दे सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप बना सकते हैं। मैंने बस ऐसे ही सिर्फ इसे रफली ऐसे लंबाई में कट कर लिया बार के हिसाब से। तो देखिए, इस तरह से हमारी बहुत ही टेस्टी सी, यमी सी और इजी सी चॉकलेट बार बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे 1-2 दिन के लिए फ्रिज में रखें, स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो तो आप उसमें केले मत डालिएगा। केला और सेब से क्या होता है कि केला और सेब जो होता है हमारा थोड़ा सा काला हो जाता है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छी से बन के रेडी हो जाती है। पैक करके आप इसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्स अप दें।